नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, लखनऊ की सड़कों में गड्ढे देख सीएम योगी आदित्यनाथ भड़कते हुए नजर आए। आरएसएस की बैठक में शामिल होने जा रहे थे सीएम योगी और देवा रोड पर गड्ढे और गंदगी देख सीएम योगी आदित्यनाथ भड़के। सीएम ने अधिकारियों को इसके लिए फटकार भी लगाई और तत्काल मौके पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी आनन फानन में पहुंचे तो गड्ढों को भरकर सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। और लखनऊ की सड़क में गड्ढे देख भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये इस वक्त अहम जानकारी। आरएसएस की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे सीएम योगी, उसी दौरान देवा रोड पर गड्ढे और गंदगी देखकर सीएम पूरी तरह से भड़क गए और इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई। तत्काल मौके पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी पहुंचे और गड्ढों को भरकर सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। यूपी में बन सकता है नया विधानसभा भवन। जी हां, ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में नया विधानसभा भवन जल्द ही बन सकता है। दिसंबर में इसकी आधारशिला रखी जा सकती है और 2027 तक विधानसभा भवन तैयार हो सकता है। तो ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा भवन करीब 100 साल पुराना हो चुका है और इसीलिए यूपी में जल्द ही विधानसभा भवन बन सकता है जिसकी दिसंबर में आधारशिला रखी जा सकती है। तो 2027 तक विधानसभा भवन तैयार हो सकता है और मौजूदा भवन करीब 100 साल पुराना हो चुका है और इसीलिए अब नए विधानसभा भवन को बनाने की जो तैयारी है उसमें जुटी हुई है योगी सरकार और 2027 तक विधानसभा भवन तैयार होने की बात कही जा सकती है। मौजूदा भवन करीब 100 साल पुराना हो चुका है और इसीलिए यूपी में अब नया विधानसभा भवन बनाने की तैयारी में योगी सरकार। दिसंबर तक इसकी आधारशिला भी रखी जा सकती है। तो ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूपी में नया विधानसभा भवन बन सकता है, इसका ऐलान जल्द ही हो सकता है और दिसंबर में रखी जा सकती है इसकी आधारशिला। और इससे बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, यूपी में नया विधानसभा भवन बनने का ऐलान जल्द हो सकता है और दिसंबर तक इसकी आधारशिला भी रखी जा सकती है, क्या कुछ जानकारी इसके लिए आपके पास? देखिए मनीषा, जहाँ तक जो सेंट्रल विस्टा नरेंद्र मोदी ने बनाया दिल्ली में लोकसभा की जगह पर, तो ये बात उठ रही थी कि यूपी विधानसभा भी नए परिसीमन के अनुसार छोटी पड़ रही है और इसकी जगह पर नया भवन बनाया जाए। तो जब सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार हो गया, चालू हुआ, तो लोगों को लगा कि आधुनिक सुविधाओं से तो जो है जो कार्यप्रणाली और बेहतर हो सकती है। तो जिस तरह सांसदों को नई सुविधा मिली है, इसी तरह विधानसभा सदस्यों को यूपी में नई सुविधा मिले। और अभी क्या विधानसभा बहुत तंग है, यहाँ पर बैठने की जगह कम है, सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, तो जो सदस्य बढ़ेंगे तो उनके अच्छा असुविधाएँ तमाम होनी चाहिए। तो इन सब सुविधाओं को लेकर के सेंट्रल विस्तार तर्ज पर यूपी में जो है नया विधानसभा 3000 करोड़ से बनाने का जो है प्रपोजल तैयार किया गया है। अब माना यह जा रहा है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 25 दिसंबर को जो है ये सेंट्रल विस्टा का जो है ये की तर्ज पर लखनऊ में यूपी विधानसभा का शिलान्यास किया जाएगा और इस शिलान्यास के बाद उम्मीद है 2027 तक यूपी विधानसभा बनकर तैयार हो जाए ताकि जो है योगी सरकार उसका जो है लोकार्पण करके और उसमें नए सिरे से शिफ्ट हो सके। अभी अखिलेश सरकार ने क्या लोक भवन बनाया था, लोक भवन प्रशासनिक दृष्टि से जो कमी कार्यालय कमजोर पर रहे कमी थी वो पूरी हो गई लोक भवन से, लेकिन अब विधायकों के और विधान परिषद सदस्यों को बैठने की जगह कम पड़ रही थी, इसके लिए ये तैयारी की जा रही है। अब ये जो भवन होगा तो यूपी के संस्कृति का भी एहसास कराएगा, भूकंप रोधी भी होगा, इको फ्रेंडली भी होगा। तो इस भवन में ऐसी लेटेस्ट सुविधाएँ होंगी जो विधायकों को चाहिए कि अब विधायकों को ऑनलाइन सब चाहिए तो जिस तरह उनको चाहिए सारी चीज़ उनके डेस्क पर मिले, तो ये सारे प्रबंध होंगे और ये अपने आप में जो है देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी कि जो है सारी सुविधाओं से लैस होगी और पूरी तरह से लोगों को संस्कृति के एहसास कराएगी। जी मनीषा, बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में नया विधानसभा जल्द ही बन सकता है और मौजूदा भवन करीब 100 साल पुराना हो चुका है और इसके लिए दिसंबर में इसकी आधारशिला भी रखी जा सकती है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए समिति गठित और यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी को गठित किया है। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव विधायी विभाग समिति के अध्यक्ष अपर पुलिस महानिदेशक समिति में सदस्य, तो इस वक्त ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए समिति गठित की गई है और यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी को गठित किया है और प्रमुख सचिव विधायी विभाग समिति के अध्यक्ष हैं और अपर पुलिस महानिदेशक समिति में सदस्य हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए समिति का गठन किया गया है, यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, अहम जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक, चुनाव आयोग की टीम बड़ी बैठक कर सकती है और 15 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। 24 की तैयारी को लेकर गोरखपुर में जल्दी बैठक हो सकती है, तो गोरखपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक होने वाली है और चुनाव आयोग ये की टीम इस बैठक को करेगी और 15 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक हो सकती है। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी चंदन मिश्रा जुड़ चुके हैं, तो चंदन, 15 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक होने की तैयारी चल रही है और 24 की तैयारी को लेकर गोरखपुर में ये बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इस बड़ी बैठक को लेकर आपके पास? जी मनीषा जी, यहाँ 15 जिलों की यहाँ पे बैठक होने वाली है, चुनाव आयोग की ये बैठक है जहाँ पे तमाम बड़े अधिकारी बैठेंगे, DMSSC के साथ ये बैठक होने वाली है और इन बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें वोटर लिस्ट पे काम किया जाएगा। सारे अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे अपने अपने जिलों में कैसे वो वोटरों के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं और कैसे वोटर लिस्ट पे काम करें और चुनाव, जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहा है उसके लिए वो काम कर सकें जिसमें चुनाव में कोई दिक्कत ना आए। और काफी, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं काफी लोगों के नाम नहीं होते हैं, तमाम परेशानियां होती हैं, इसको देखते हुए प्रशासनिक स्तर से ये बैठक की जा रही है गोरखपुर में GDA में, जिसमें सारे अधिकारियों को उनका उनको कार्य बांटा जाएगा कि कैसे एक खाका तैयार किया जाए और कैसे कार्य हो उस पर, जिससे वोटिंग के समय कोई दिक्कत ना आने पाए। बिल्कुल, तो क्या समझा जाए कि चुनाव के दृष्टिगत कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी ये बैठक? जी काफी ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ये पूरे मंडल में वोटरों की जो जनसंख्या है उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोटरों की जनसंख्या जितनी होती है उस हिसाब से वोटिंग नहीं होती है, वोटर लिस्ट में नाम कट जाते हैं और तमाम दिक्कतें आती हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है कि अधिकारी के, जिलाधिकारी के निर्देश से ये सारी चीजें ये बैठक की जा रही है और GDA में ये बैठक किया जा रहा है। तमाम अधिकारियों को उनके कार्यों को दिया जाएगा कि उस कार्य को वो सकुशल कर सकें और चुनावी समय में कोई भी दिक्कत ना आने पाए। बिल्कुल चंदन, तो ये बैठक जो है वो कब तक होती हुई नजर आने वाली है? आज 12 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है GDA गोरखपुर में। ठीक है चंदन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर से ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होगी और MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2009 में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आज सुनवाई होगी और मीर हसन ने केस दर्ज कराया था और इसी मामले में आज सुनवाई होनी है, तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एक अहम फैसले में, गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी, MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई होगी ये।
और 2009 में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आज ये सुनवाई होगी एमपी एमएलए कोर्ट में। तो मीर हसन ने इसको लेकर केस दर्ज कराया था जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है और कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर से आज बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं सुनवाई के बाद। एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 2009 में हत्या और हत्या के प्रयास का पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें मीर हसन ने केस दर्ज कराया था और आज इसी बड़े मामले में सुनवाई होनी है। और गाजीपुर से हमारे साथ प्रमोद कश्यप जुड़ चुके हैं। तो प्रमोद, गैंगस्टर मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होती हुई नजर आ सकती है एमपी एमएलए कोर्ट में। जी, आपको बताऊं कि मुख्तार अंसारी का जो 2009 का मामला था, मीर हसन और ये एक मामला था कपिल देव का, करंदा थाना क्षेत्र का जो मामला था उसको लेकर के जो बात है वो पूरी हो चुकी है और आज जो है अहम फैसला जो आना है। जो पिछले कई बार जो है कि इसकी सुनवाई होनी थी लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के चलते जो है कि उसका आज फैसला आ सकता है। बिल्कुल, और प्रमोद, समझा जा सकता है कि पिछली जितनी भी सुनवाई हुई थी मुख्तार अंसारी को लेके उसमें लगातार जो मुख्तार अंसारी हैं उनकी मुश्किलें अभी तक बढ़ती ही नजर आ रही हैं और आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इस सुनवाई के बाद भी मुख्तार अंसारी की परेशानी जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आएगी और उनकी मुश्किलें जो है वो अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। जी, मैंने सब बताओ कि जो मुख्तार अंसारी लगातार जो है कि सरकार में जो है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एक पर एक जो है फैसला आते जा रहा है जिस पर कि मुख्तार अंसारी को पिछले जो फैसला आया था उसमें 10 जो कि ये हुआ था जेल हुआ था, इसके बाद जो है अब जो फैसला आ रहा है इस पर भी आज जो फैसला आएगा वो भी आम होगा और हो सकता है कि आज ये फैसला आ जाए। बिल्कुल प्रमोद, अगर फैसला आता है तो क्या सजा लगती है कि क्या सजा अब दी जाएगी मुख्तार अंसारी को इस मामले में? देखिए, गैंगस्टर का मामला है, 2009 का मामला गैंगस्टर का है जो कि इसमें जो मुख्तार अंसारी का जो सजा है, जो गैंगस्टर का मामले का सजा होता है वो 7 साल का होता है और इस तरह से जो है कि कोर्ट जो है कि ये फैसला सुना भी सकता है। ठीक है प्रमोद, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी और पहले से ही मुश्किलों से घिरे हुए हैं मुख्तार अंसारी जिन पर आज एक और बड़ा फैसला आ सकता है और उसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो 2009 में हत्या और हत्या के प्रयास का मामला था ये जिसमें मीर हसन ने केस दर्ज कराया था और आज इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को लेकर यह फैसला सुनाया गया है हाई कोर्ट की तरफ से और हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। तो कोर्ट ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया है और निचली कोर्ट में चल रही है आपराधिक कार्रवाई रद्द की गई। पीड़िता ने कोर्ट में प्रेम प्रसंग में रहने की बात कही थी और मर्जी से शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता, कोर्ट ने यह बयान दिया है। और संत कबीर नगर के ज्योला के खिलाफ ये मामला चल रहा था और अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से और कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई रद्द की गई है। तो पीड़िता ने प्रेम प्रसंग में रहने की बात कही थी और कोर्ट ने अब कहा है कि मर्जी से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता, इसीलिए ये कार्रवाई रद्द कर दी गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये अहम फैसला एक मामले में और उन्होंने प्रेम प्रसंग में बने शारीरिक संबंध को लेकर फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि शारीरिक संबंध जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बने प्रेम प्रसंग में उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखेंगे और कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को फिलहाल रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता ने प्रेम प्रसंग में रहने की बात कही थी जिसके बाद कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है और उन्होंने कहा कि मर्जी से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं। तो संत कबीर नगर में जियाउल्लाह के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ था, इस बड़े मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं और हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।
तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं संत कबीर नगर से। आपको बता दें कि जियाउल्लाह के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि मर्जी से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता। तो संत कबीर नगर के जियाउल्लाह के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इसी मामले में लगातार सुनवाई भी चल रही थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और अब इसमें एक अहम फैसला सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि प्रेम प्रसंग में बने शारीरिक, और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। तो सैयद मोहम्मद, कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि मर्जी से बने शारीरिक संबंध को अब रेप कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेम प्रसंग में बने शारीरिक संबंध पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि इसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। आरोपी प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई जो चल रही थी उसे रद्द कर दिया गया है और कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया गया है। पीड़िता ने प्रेम प्रसंग में रहने की बात कही थी और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि मर्जी से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता। तो संत कबीर नगर के जियाउल्लाह के खिलाफ केस चल रहा था, इसी मामले में सुनवाई हो रही थी और अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट का कहना है कि इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही कार्रवाई रद्द कर दी गई है, कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को हाईकोर्ट की तरफ से रद्द किया गया है और अगर इस मामले में अब आगे कोई कार्रवाई होगी तो वो निचली अदालत में जरूर हो सकती है। और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सैयद, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह अहम फैसला सामने आता हुआ, जिन्होंने साफ अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रेम प्रसंग में बने शारीरिक संबंध अब रेप की कैटेगरी में नहीं। जी बता दें, हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, जैसे कि इस मामले में आरोप लगाया गया था। बिल्कुल आमिर, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। तो कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया गया है और पीड़िता ने प्रेम प्रसंग में रहने की बात कही थी और तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बारिश के कारण चंबल नदी में छोड़ा गया है 2.5 लाख क्यूसेक पानी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित सबसे बड़े बांध गांधी सागर में लगातार बनी हुई है पानी की आफत। किसान यूनियन तोमर और जेल प्रशासन के बीच हुई वार्ता। भारतीय किसान यूनियन तोमर का प्रतिनिधिमंडल जिला कारागार प्रशासन की सराहना करते हुए बाहर निकला और लगाए गए आरोपों को लिया वापस। हापुड़ में लाठीचार्ज मामले के बाद प्रदेश सरकार और अधिवक्ता आमने सामने। हापुड़ पुलिस प्रशासन से खफा प्रदेश भर के अधिवक्ता, अब हापुड़ अधिवक्ताओं के मंच पर राजनीति के बाद अधिवक्ता देने लगे धमकी। कन्नौज के जिला अस्पताल में चोरी करते पकड़ा गया चोर, वार्ड में भर्ती मरीज का फोन कर रहा था चोरी, फोन चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी, वहीं पकड़े गए चोर को किया गया पुलिस के हवाले। लखनऊ में नौकरी का झांसा देकर कराया गया 8 लाख का लोन। सचिवालय में नौकरी लगवाने का दिया गया था झांसा, दस्तावेजों से 8 लाख का लोन पास कराया गया। बदायूं में जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला, मरीजों को दिए जाने वाले खाने में निकले कीड़े। फतेहपुर में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, 1.5 बीघे पर लगे धान की जमीन भी कराई गई खाली, शमशान की जमीन पर दबंगों ने कर रखा था कब्जा। फरुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से टिकट वितरक की हुई मौत, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया भर्ती।
सहारनपुर में थाना सदर बाजार क्षेत्र में जनसेवा केंद्र से लूट करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। कुछ दिनों पहले एक युवक से तमंचा दिखाकर करीब 18,000 रुपए की लूट की वारदात को दिया था अंजाम। सहारनपुर बना अवैध पशु कटान केंद्र, पुलिस ने मीट से भरे दो ट्रक पकड़े। थाना सदर बाजार के हसनपुर का है पूरा मामला। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।